देखिए मेरे बच्चे थक गए दोस्तों। देखिए यहाँ से बोरीवली एरिया का नज़ारा देखिए आप। मुंबई आउटस्कर्ट्स में शहर की भागदौड़ से दूर हरे भरे संजय गांधी नेशनल पार्क के जंगल में स्थित है कन्हेरी बुद्धिस्ट केव्स। शांति से भरी हुई और फ्रेश एयर वाली ये केव्स दो या तीन पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। यहाँ तक जाने का रास्ता भी पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। ज़्यादातर केव्स बुद्धिस्ट विहार के रूप में इस्तेमाल होती हैं। ये केव्स चर्चगेट स्टेशन से 39 किलोमीटर दूर है और लोकल ट्रेन की वेस्टर्न लाइन से ईजली यहाँ पर आया जा सकता है। वेस्टर्न लाइन के बोरीवली स्टेशन से जस्ट अपोजिट में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट से जंगल के अंदर 6 से 7 किलोमीटर दूर है ये बुद्धिस्ट केव्स। नेशनल पार्क के गेट से केव्स तक बसेस या शेयरिंग टैक्सी से जाया जा सकता है। बसेस का किराया केवल 10 रुपये पर हेड है और टैक्सी का किराया 50 रुपये पर पर्सन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चीयरफुल वाइब्स। दोस्तों आज हम लोग आए हैं कन्हेरी केव्स और ये केव्स जो हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में आती हैं और ये बोरीवली स्टेशन से संजय गांधी नेशनल पार्क का जो गेट है वो बोरीवली रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट में है। तो और यहाँ पे एक्चुअली में हमने अपनी कार पार्क कर दी है, ये है पार्किंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बस से ही ट्रैवल करते हैं अंदर। मेरे ख्याल से 7 किलोमीटर है इस गेट से अंदर का जो कन्हेरी केव्स तक का रास्ता। तो अभी टिकट लेंगे और बस में बैठेंगे और आपको अपडेट्स देते हैं। तो चलो चलते हैं कन्हेरी केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये इसका टिकट घर था, 2 अडल्ट और 2 बच्चों का कुछ लगभग अराउंड 236 रुपीज़ लगे हैं। राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली, अब यहाँ से हमको बस मिलेगी, चेक करते हैं। लेपर्ड स्नेक। दोस्तों संजय गांधी गेट के पास आप साइकिल भी हायर कर सकते हैं और साइकिलिंग करके भी गेट से कन्हेरी केव्स जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से बस मिलती है अंदर जाने के लिए, आ जाओ। हम लोग कन्हेरी केव्स के गेट पे आ गए हैं। अभी बस से उतरे, ये आप सामने देख सकते हो कन्हेरी केव्स। अब यहाँ से उसका ट्रैक चालू होता है और अब हम लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है कन्हेरी गेट। यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं तो इनसे थोड़ा बच के रहिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाइएगा जो कि आपको ये बंदर आपको छीन ले। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कन्हेरी केव्स के लिए एक अलग से टिकट लेना पड़ेगा, 25 रुपये का। दोस्तों हम लोगों ने 25-25 रुपये के 2 टिकट ले लिए हैं और अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं कन्हेरी केव्स में। फ्रेंड्स इस नक्शे में, फ्रेंड्स इस मैप में आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 109 केव्स हैं और सारी केव्स का लोकेशन इस मैप में दिया हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ये मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों कन्हेरी केव्स में एंट्री करते ही ये फर्स्ट केव है, डुप्लेक्स केव, नीचे भी है ऊपर भी है। तो
चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल से नीचे तो ताला बंद है, ऊपर वो देख रहे हैं आप, पानी का टैंक है ऊपर। वो एंट्रेंस था, यहाँ पे आने के लिए गार्डन वगैरह बनाया गया है जिससे कि लोग आराम से बैठ के पिकनिक मना सकते हैं। केव्स बंद है और अंदर भी तीन चार केव्स और हैं। वाव, फ्रेंड्स ये इसकी सेकंड केव है। केव थ्री में चैत्य है यहाँ पे। इस केव में भी दो स्तूप बनाए गए हैं और पीछे बुद्धा की काफी कार्विंग्स हैं, उनके अलग अलग पोस्चर्स हैं। कनेरी केव्स एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और पूजा, पढ़ाई और मेडिटेशन के लिए बेस्ट जगह है। तो दोस्तों कनेरी केव्स आ गए हम लोग और अभी हम लोग केव सेकंड में बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और इस केव्स में टोटल 109 केव्स हैं और इसमें केव थ्री में मेन जो है चैत्य है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक स्तूपा भी था मिडिल में जो कि अभी नहीं है, पहले होगा। और यहाँ पे इस केव में मैक्सिमम जगह पे आपको बुद्धा की कार्विंग्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये कनेरी केव्स जो है ये अराउंड 1st century BC में बनाई गई थी और लगभग 2000 साल पुरानी ये केव्स हैं। अब हम लोग चलते हैं केव थ्री में और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का इसका चैत्य। फ्रेंड्स ये इसकी मेन केव है, केव थ्री, और इसके जस्ट बगल में केव फोर है। इसका चैत्य यहीं पर है, यही इसका चैत्य है, मेन चैत्य। यहाँ पे स्तूपा होगा कभी और अभी ये स्तूपा निकाल दिया गया है। तो चलो दोस्तों अंदर जाके दिखाते हैं आपको ये केव्स कैसी हैं, आओ। तो दोस्तों ये कनेरी केव्स जो है ये भी सम्राट अशोक के ज़माने के जो बुद्ध साम्राज्य था उसके ट्रेड रूट में आती हैं और ये तो मेन सेंटर था उस ज़माने का। वाव, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा बुद्ध स्कल्पचर है, कितनी बड़ी बुद्ध कार्विंग है। ज़बरदस्त, दोस्तों इसका चैत्य बिल्कुल बेडसे केव जैसा है और मगर लकड़ी का काम इसमें नहीं है, लकड़ी का काम आपको भाजा और कारने केव्स में ही दिखता है और कोंडाना केव्स में भी लकड़ी का काम है। स्तूपा, इसका स्तूपा भी ऑलमोस्ट सेम है, ऊपर का कुछ पार्ट इसका टूट गया है और ये उतनी संरक्षित केव नहीं है क्योंकि ये मेरे ख्याल से बेडसे, कोंडाना और कारला केव से पहले की बनी हुई केव है। दोस्तों ये केव्स जो है उस ज़माने के बुद्ध समाज के लोगों का प्रतीक है और वो लोग कितने मेहनती और कितने बुद्ध को मानते थे क्योंकि इतनी मेहनत करके और पत्थर में खोद के ये केव्स बनाना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। और जिस केव्स में जो बुद्ध कार्विंग्स हैं उनको देख के तो मन बिल्कुल खुश हो जाता है।
और दोस्तों इसके इस कनेरी केव्स में 109 केव्स में से जो बाकी केव्स हैं उसमें लोग रहा करते थे और पढ़ाई किया करते थे अपना और मेडिटेशन किया करते थे। और ये मेन केव है जहाँ पे असेंबली होती होगी या फिर जो बड़े प्रीस्ट होते होंगे वो यहाँ पे अपने उपदेश दिया करते होंगे। तो आइए गाइस, मैं आपको इस केव के फोर्थ केव लेके चलती हूँ। ये एक छोटी सी केव है, इसमें एक स्तूपा है। तो आइए गाइस, मैं आपको लेके चलती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटी केव है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है फोर्थ केव में आप एक छोटा सा स्तूपा है और इसके चारों तरफ जो है कार्विंग्स हैं गौतम बुद्धा की और भी, और इसके इसमें बहुत सारे बुद्धा की कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग पोस्चर में। किसी में वो अलग अलग आसन्स हैं और इसमें जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए इनका शिला लेख भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं कनेरी केव्स की और केव्स को एक्सप्लोर करने, जो बाकी केव्स हैं इसकी। तो चलो, हमारी छोटी नुन्नू भी ट्रैकिंग करने में लगी है। छोटा सा ट्रैक है, वाव, देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ से व्यू देखिए, जबरदस्त। दोस्तों मुंबई के आसपास की एरिया में सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट है संजय गांधी नेशनल पार्क भी है और लोग यहाँ पे सफारी करने भी आते हैं। यहाँ पे और भी केव्स हैं, खतरनाक यहाँ पे मैं जा सकती हूँ। क्या मैं नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी केव्स हैं और यहाँ पे भी और छोटी छोटी बहुत सारी केव्स हैं। और केव्स के ऊपर नंबर्स भी डाल के रखे हुए हैं, सही है। सारी केव्स में दरवाजे वगैरह और जाली वगैरह लगा के रखी है। ये 71 नंबर केव है। दोस्तों हम लोग इस कनेरी केव्स के माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं। ये मेरे बच्चों की ट्रैकिंग चालू है दोस्तों ये इसकी 69 नंबर केव है और काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है ये केव्स। ये 67 नंबर केव है, मुझे लगता है ये तो काफ़ी बड़ी लग रही है। बुद्धा के कार्विंग्स हैं, वाह। मेरे ख्याल से ये एक और हॉल टाइप का रहा होगा। वाह, कितने सारे बुद्धा के कार्विंग्स, मेरी आवाज़ इको हो रही है, ज़बरदस्त। ये भी एक असेंबली हॉल होगा जिसमें कि लोग बैठ के क्लासेस वगैरह या शिक्षा वगैरह लेते होंगे। फ्रेंड्स आप जिधर भी देखेंगे आपको केवसी केव नज़र आएंगी। तो दोस्तों आप जिधर भी देखेंगे यहाँ पे आपको केवसी केव नज़र आएंगी। तो इससे पता चलता है कि कनेरी केव्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। हम लोग कनेरी केव्स की जो माउंटेन है उसके टॉप पे आ गए और यहाँ से ज़बरदस्त नज़ारा है दोस्तों। बोरीवली एरिया का देखिए आप, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको। देख रहे हैं दोस्तों, वो देखिए वो लास्ट वहाँ पे भी एक केव है। तो इस एरिया में बहुत सारी केव हैं। मेन हब था ये बुद्धिस्ट समाज के लोगों का उस समय, जिस समय सम्राट अशोक जो है भारत पे राज किया करते थे और उस ज़माने में बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके ये केव्स बनवाई और बनाई। मेरी केव के टॉप पे एक टैंक भी है, वाटर टैंक है,
जिसमें नॉर्मली पहले के ज़माने के लोग उसका पानी पिया करते होंगे, अभी भी पी सकते हैं, बारिश में भरा हुआ है और मस्त जगह है दोस्तों, मज़ा आ गया। काफ़ी देर हमने स्पेंड किया यहाँ पे टॉप पे, बहुत अच्छी हवा चल रही है और आज मौसम भी सही है तो मज़ा आ रहा है। अब मेरे ख्याल से 5 बज गए, तो यहाँ पे 5 बजे केव्स बंद हो जाती हैं, तो ये लोग अब टॉप से ऊपर नीचे उतरने के लिए बोल रहे हैं, तो अब हम लोग जो है यहाँ से नीचे उतरते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों करेरी केव्स का हमारा जो ट्रिप था बहुत ही मस्त गया और बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों ये व्लॉग करेरी केव्स का अब यहीं एंड करते हैं और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ जाओ जाओ चलो।